हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है इकोनॉमिक्स चैम्प यूट्यूब चैनल पे। और मैं राकेश तिवारी, जो कि मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। बच्चे, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। आज से कुछ दिनों बाद हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। और बेटा, जो ये बोर्ड का एग्जामिनेशन है, इसका जो रिजल्ट है वो हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट, जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट उतना ही हमारे पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि बेटा, आजकल का जो माहौल है, आज से और जो हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन शुरू होने वाले टाइम का जो गैप है, ये जो माहौल है, इसमें बहुत टेंशन है बच्चों को कि हाय क्या करेंगे एग्जाम में, कैसे करेंगे एग्जाम में। अरे बच्चों, ये एग्ज़ाम कोई भूत नहीं है जिससे तुम डर रहे हो। ये बहुत ही इजी टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको तुम आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आराम से इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत तो पहली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा, हर टॉपिक्स को तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बच्चा आता है कहता है भैया मुझे ये टॉपिक नहीं आता, ऐसे नहीं आता, वैसे नहीं आता, लेकिन जब एग्जाम में वो रिजल्ट जब लिख के आता है और उसका जब रिजल्ट आता है तो देखता हूँ उसके 98, 99, 96, 95 आए मार्क्स। कैसे आ गए भाई, जब तुझे आता नहीं था तो आ कैसे गए? कि कहीं ना कहीं क्यों ना उसने सुना था उस बात को, कहीं ना कहीं उस बात को उसने पढ़ा था और उसके बारे में उसने लिखा, तो बेटा उसके मार्क्स आए। सबसे बड़ी बात कि इस ड्यूरेशन में अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद के लिए डीमोटिवेशन भी हो और मोटिवेशन भी हो, तो आप अगर डीमोटिवेट नहीं करोगे तो बेटा आपका रिजल्ट 100% अच्छा रहेगा, और मोटिवेट करोगे अपने आप को तो और अच्छा बढ़ सकता है आपका रिजल्ट, ठीक है। तो पहली बात ध्यान रखना एग्जाम्स के लिए कि डीमोटिवेट नहीं करना, क्या करना है, सिर्फ खुद को मोटिवेट करना है। और बच्चे कहते हैं भैया कि हमारे पास टाइम नहीं है। बेटा, अभी 15-16 दिनों का टाइम है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और ये 15-16 दिन तो अभी हैं, बाकी हर एग्ज़ाम के बीच में कुछ ना कुछ गैप है, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसमें भी तुम क्या कर सकते हो, बिल्कुल उसमें भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अभी तो है ही तुम्हारे पास 15 दिन, बाद में भी 4-5 दिन, 4-5 दिन, 10 दिन, 13 दिन, किसी किसी में तो 20-20 दिन की छुट्टी है किसी किसी एग्ज़ाम में। तो बेटा, सबसे बड़ी बात कि खुद को डीमोटिवेट ना करो, खुद को बूस्टअप करो, खुद को मोटिवेट करो, ठीक है। और जब भी तुम पढ़ने बैठते हो तो 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1-1.5 घंटे पढ़ो, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लो। और बेटा, टाइम की कमी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अंदर किसी की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस लूज मत करो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस को लूज करोगे तो ये कॉन्फिडेंस लूज करना बेटा तुम्हारा रिजल्ट खराब कर देगा, और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करोगे तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारा रिजल्ट और अच्छा करेगा, और कहीं ना कहीं तुम 90s वाले स्टूडेंट्स बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच।